महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का मानना था कि इस ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड गणित के 3 नंबरों में छुपा है, 3, 6 और 9। टेस्ला का मानना था कि जिसने नंबर 3, 6 और 9 के रहस्यों को समझ लिया, समझो उसके हाथ ब्रह्मांड की चाबी लग गई, जिससे वो ब्रह्मांड के हरेक सीक्रेट को अनलॉक कर सकता है। अब भला निकोला टेस्ला जैसा जीनियस व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को नंबर 3, 6 और 9 में ढूंढता था। दरअसल निकोला टेस्ला मानते थे कि ये ब्रह्मांड एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में काम करता है, जिसको नंबर 3, 6 और 9 कंट्रोल करते हैं। दरअसल ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड को निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में उतार लिया था। वो नंबर 3, 6 और 9 से इतने कनेक्टेड थे कि वो जिस बिल्डिंग में रहते थे उसके दिन में 3 चक्कर लगाते थे। वो जिस बर्तन में खाना खाते उसको 6 बार साफ करते थे। यहाँ तक कि वो होटल के उसी रूम में ठहरते थे जिसका नंबर 3, 6 या 9 से डिवाइड हो सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब निकोला टेस्ला ने जिस रूम में अपनी आखिरी श्वास ली उस रूम का नंबर 3327 था, जो 3 से डिवाइड हो सकता था। निकोला टेस्ला का विश्वास नंबर 369 में इतना ज्यादा था कि नंबर 369 को निकोला टेस्ला थ्योरी कहा जाने लगा, जिसे आज टेस्ला कोड भी कहा जाता है, और इसे यूनिवर्स का फिंगरप्रिंट यानी ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड भी कहा जाता है। तो आखिर नंबर 369 इतना रहस्यमय क्यों है? क्यों निकोला टेस्ला नंबर 369 को ब्रह्मांड की चाबी कहते थे? और क्या सच में नंबर 369 ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, आपको इन सभी तस्वीरों में एक जैसा पैटर्न नजर आ रहा होगा। नेचर में मौजूद इस पैटर्न को गोल्डन रेशियो कहा जाता है। इस गोल्डन रेशियो को ग्रीक अल्फाबेट के 21st लेटर फाई से डिनोट किया जाता है। दरअसल गोल्डन रेशियो एक तरह से ब्यूटी का एक कोड है, मतलब इस यूनिवर्स में जो भी आकृति गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखकर बनाई जाती है वो आंखों से देखने पर बहुत सुंदर दिखाई देती है। आजकल के चित्रकार गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखकर ही कोई भी आर्ट बनाते हैं, जिससे कि वो चित्रकारी देखने में सुंदर लगे। प्राचीन समय में भी लोग गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया करते थे। आप लियोनार्डो दा विंसी की किसी भी पेंटिंग को देख लीजिए, सभी में गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम और प्राचीन समय में जाएं, तो मिस्र के पिरामिड्स को भी गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। अब ये तो हम इंसानों की बात रही, अगर हम इस ब्रह्मांड के रचयिता की बात करें तो उसने इस ब्रह्मांड को परफेक्टली गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखकर ही बनाया है। आप नेचर की किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, सब में गोल्डन रेशियो यानी ब्यूटी कोड छुपा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इस ब्रह्मांड का क्रिएटर है वो सच में एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, क्योंकि आप ब्रह्मांड की किसी भी चीज को देख लीजिए, सभी में गणित छुपा हुआ है। और हमारा ये ब्रह्मांड गणितीय रूप से इतना परफेक्टली डिजाइंड है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा लगता है कि इस दुनिया को बनाने वाले ने सबसे पहले गणित को पढ़ा था, उसके बाद उसने गणित के सभी फॉर्मूलाज को इस दुनिया में उतार दिया। ब्रह्मांड के कण कण से लेकर बड़ी आकृति तक सभी ज्योमेट्रीज में गणित छुपा है, गणितीय नंबर छुपे हैं, और ब्रह्मांड की इन सभी चीजों को गणित के 3 नंबर कंट्रोल कर रहे हैं, 3, 6 और 9। निकोला टेस्ला का मानना था कि हम इंसानों ने गणित को नहीं बनाया, बल्कि गणित तो इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद था, हमने तो सिर्फ इस गणित को खोजा है, गणित के नंबर्स को खोजा है, और इन गणितीय नंबर्स की सहायता से हम ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकृति में जीवन की शुरुआत सिंगल सेल से होती है, चाहे कोई इंसान हो या जानवर, सभी के माँ के गर्भ में बनने की शुरुआत सिंगल सेल से ही होती है। ये सिंगल सेल खुद की कॉपी बनाता है और 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, फिर उन 2 सेल से 4 नए सेल बनते हैं, फिर वो 4 सेल्स 8 नए सेल्स को बनाते हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है, तब जाके जीवन का एक जटिल रूप तैयार हो पाता है। अगर इस प्रोसेस को गणित के नंबर्स के रूप में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होता है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहती है। अगर इस सीरीज का डिजिटल रूट निकाला जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगा। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको इस सीरीज का डिजिटल रूट एक समय बाद रिपीट होते हुए नजर आएगा। ये सीरीज भले ही अनंत तक क्यों ना चली जाए, लेकिन इसका डिजिटल रूट हमेशा 1, 2, 4, 8, 7, 5 ही होगा। क्या आपने इस डिजिटल रूट में एक चीज नोटिस की?
इसमें तीन नंबर मिसिंग हैं, 3, 6 और 9। आखिर यूनिवर्स का इतना जरूरी सिद्धांत जिसमें एक सेल अपने जैसे दूसरे सेल की कॉपी बना रहा है, तब जाकर एक कॉम्प्लेक्स लाइफ तैयार हो पा रही है। अगर हम उसी का डिजिटल रूट निकालें तो उसमें नंबर 3, 6 और 9 मिसिंग हैं। आखिर क्यों? अब अगर इसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए, मतलब एक का हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, और फिर इसका डिजिटल रूट निकाला जाए, तो वही मिलता है 124875, और यहाँ पर भी नंबर 369 मिसिंग है। दरअसल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल दुनिया है, और इस थ्री डायमेंशन वाली दुनिया को नंबर 1, 2, 4, 5, 7 और 8 कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब 3, 6 और 9 हायर डायमेंशन में रहकर लोअर डायमेंशन वाले 1, 2, 4, 5, 7 और 8 को कंट्रोल कर रहे हैं। भौतिकी में ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है। ऊर्जा को ना तो कभी खत्म किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और ब्रह्मांड में ये ऊर्जा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के रूप में हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन और लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में घूमती रहती है। अगर नंबर 3 और 6 की डबलिंग और हाफ करें और उसका डिजिटल रूट निकालें तो हमेशा डिजिटल रूट 3636 ही आएगा, और नंबर 9 यहाँ पर भी मिसिंग है। लेकिन नंबर 9 को डबल या हाफ किया जाए और फिर उसका डिजिटल रूट निकाला जाए तो आश्चर्य की बात है कि वो हमेशा 9 ही आएगा। मतलब नंबर 9 खुद को ही रिप्रेजेंट करता है। एक बार आप इस इमेज को देखिए जिसमें ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से हो रहा है। इसमें नंबर 9 3 और 6 को कंट्रोल कर रहा है और नंबर 3 और 6 बाकी के नंबर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे नंबर 3, 1, 2 और 4 को कंट्रोल कर रहा है और नंबर 6, 5, 7 और 8 को कंट्रोल कर रहा है। मतलब इस ब्रह्मांड में नंबर 9 ही फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशंस का सोर्स है, और नंबर 9 की निगरानी में ही ये ब्रह्मांड काम कर रहा है। हर एक चीज में ऊर्जा का स्रोत नंबर 9 ही है, और इसीलिए तो इस पैटर्न में नंबर 9 सबसे ऊपर विराजमान है। नंबर 9 ब्रह्मांड को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, चलिए देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। अगर इसका डिजिटल रूट निकाला जाए तो 9 आएगा। अगर सर्किल को आधा किया जाए तब भी डिजिटल रूट 9 होगा। आधे सर्किल को भी आधा किया जाए तब भी डिजिटल रूट 9 होगा। उसका आधा डिजिटल रूट 9, उसका आधा डिजिटल रूट 9, और इस तरह से सर्किल को आधा करते करते एक समय ऐसा आएगा जब हम सिंगुलरिटी पर पहुंच जाएंगे, और सिंगुलरिटी पर भी डिजिटल रूट 9 होगा। अगर हम दूसरी ज्योमेट्रीज जैसे पॉलीगन्स को देखें तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और इसका डिजिटल रूट 9 होगा। स्क्वायर के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, लेकिन डिजिटल रूट 9 होगा। पेंटागन डिजिटल रूट 9, हेक्सागन डिजिटल रूट 9, हेप्टागन डिजिटल रूट 9, ऑक्टागन डिजिटल रूट 9। चाहे हम कोई भी पॉलीगन ले लें, डिजिटल रूट 9 ही होगा। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की कि जैसे जैसे पॉलीगन की साइड्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ये एक सर्किल की शेप लेते जा रहा है, और ये प्रोसेस अनंत तक चलता रहेगा, लेकिन हर बार डिजिटल रूट 9 ही होगा। चाहे हम इन्फिनिटी से सिंगुलरिटी की ओर बढ़ें या सिंगुलरिटी से इन्फिनिटी की ओर बढ़ें, दोनों ही डायरेक्शंस में डिजिटल रूट 9 होगा। धरती के उपग्रह चंद्रमा का डायमीटर 2160 माइल्स, डिजिटल रूट 9। धरती का डिजिटल रूट 9। सूर्य का डिजिटल रूट 9। स्पीड ऑफ लाइट 186282 माइल्स पर सेकेंड, डिजिटल रूट 9। एक घंटे में 3600 सेकेंड, डिजिटल रूट 9। एक दिन में 1440 मिनट, डिजिटल रूट 9। एक दिन में 86400 सेकेंड्स, डिजिटल रूट 9। एक हफ्ते में 10080 मिनट्स, डिजिटल रूट 9। एक हफ्ते में 604800 सेकेंड्स, डिजिटल रूट 9। एक महीने में 720 घंटे, डिजिटल रूट 9। एक महीने में 43200 मिनट्स, डिजिटल रूट 9। एक महीने में 2592000 सेकेंड्स, डिजिटल रूट 9। एक साल में 8640 घंटे, डिजिटल रूट 9। एक साल में 518400 मिनट, डिजिटल रूट 9। एक साल में 3,11,04,000 सेकेंड्स, डिजिटल रूट 9। जब हमने नंबर 9 को डबल या हाफ किया था तो हमें डिजिटल रूट 9 ही मिला था। उसी तरह अगर हम 9 की टेबल का डिजिटल रूट निकालें तो वो भी 9 ही होगा। इस यूनिवर्स में नंबर 9 एक एक्सिस की तरह काम करता है, जो स्पेस और टाइम दोनों में मौजूद रहकर सभी नंबर्स को कंट्रोल करता है। अगर आपने गौर किया हो तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी 2 के पेयर में काम करती हैं। जैसे दुनिया में 2 तरह की ऊर्जा मौजूद है, नकारात्मक और सकारात्मक। धरती के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन ये एक भ्रम है। दरअसल ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति 2 के पेयर में नहीं बल्कि 3 के पेयर में काम करती है।
जैसे आप इस मैग्नेट को देखिए, इसमें दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसमें साउथ पोल को नंबर 3 कंट्रोल करता है तो नॉर्थ पोल को नंबर 6 कंट्रोल करता है, और इन्हीं दो पोल्स की वजह से एक मैग्नेट काम करता है। लेकिन ये एक छलावा है, मैग्नेट में ये दो पोल्स होते तो जरूर हैं, लेकिन इनको ऊर्जा इसकी एक्सिस से मिलती है जिसे नंबर 9 कंट्रोल करता है, और नंबर 9 ही दोनों पोल्स को ऊर्जा देता है। समय भी 3 के पेयर में एग्जिस्ट करता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ब्रह्मांड का मूल कण एटम 3 पेयर में काम करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी तरह चार्ज भी 3 पेयर में काम करता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। टेस्ला के अनुसार ब्रह्मांड भी 3 के पेयर में काम करता है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। यूनिवर्स में नंबर 3 और 6 एक पेयर में काम कर रहे हैं, जिनको नंबर 9 कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जिस तरह से नंबर 9 खुद को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह नंबर 9 कुछ नहीं के बराबर है, मतलब नंबर 9 ही शून्य है और नंबर 9 ही संपूर्ण है। जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए जिसमें नंबर 9 मौजूद हो, अब अगर उसमें नंबर 9 की जगह पर 0 रखें तो नंबर 9 और 0 के साथ दोनों ही केसेज में डिजिटल रूट समान ही आएगा। ब्रह्मांड शून्य से शुरू हुआ था और एक दिन शून्य पर ही पहुंच जाएगा। 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए तो उत्तर हमेशा शून्य ही आता है, और शून्य नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ब्रह्मांड का आदि हो या अंत हो, नंबर 9 हमेशा प्रेजेंट रहता है। नंबर सिस्टम 0 से शुरू होता है जो 9 को रिप्रेजेंट करता है और 9 पर ही खत्म होता है। और अगर 0 और 9 के बीच आने वाले सभी नंबर्स का डिजिटल रूट निकाला जाए तो वो भी 9 होगा। ऐसा माना जाता है कि नंबर 9 ब्रह्मांड में फिनिशिंग पोस्ट की तरह काम करता है, जैसे प्रेगनेंसी 9 महीने में समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नंबर 369 के रहस्यों को हमारी ही सभ्यता समझ पा रही है, बल्कि प्राचीन इजिप्ट के पिरामिड्स को नंबर 369 को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था, वो भी 3 और 6 के पेयर में, 3 बड़े पिरामिड्स और 3 छोटे पिरामिड्स जो 3 तारों से अलाइंड हैं। और अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भी नंबर 9 की झलक हर जगह पर दिखाई देती है। ओम की फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज और इसका डिजिटल रूट 9। खुद ओम की आकृति 36 और 9 को रिप्रेजेंट करती है। पवित्र स्वास्तिक सिंबल में किसी भी एंगल का डिजिटल रूट निकालें तो 9 ही होगा। खोजकर्ता मानते हैं कि निकोला टेस्ला नंबर 369 के रहस्यों को समझ चुके थे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या नंबर 369 सच में ब्रह्मांड का कोई सीक्रेट कोड है, या इस ब्रह्मांड में 369 का आभास महज एक इत्तफाक है? वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।